Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे केले से बने हुए चिप्स की रेसिपी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मार्केट में अगर आप परचेज करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन घर में बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप एक बार इस रेसिपी को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। आई एम डैम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूलें आज की ये स्पेशल कच्चे केले के चिप्स की रेसिपी आपको कैसी लगी। जन्माष्टमी आने वाली है तो आप जन्माष्टमी पर ये चिप्स बनाकर खाइए। कच्चा केला एक फल होता है तो आप इसको अपने फास्ट में खा सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरे पास कच्चे केले, मार्केट में इस टाइम आपको इजीली मिल जाएंगे। इसको मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं यूज करूंगी एक ग्रेटर का, यानी कि कद्दूकस का, जो चिप्स कटर होता है उसका हम यूज करेंगे। केले के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम केले को पील करेंगे, यानी कि इसका छिलका उतार लेंगे, लेकिन हम पीलर की हेल्प से इसका छिलका नहीं उतारेंगे, क्योंकि जब हम पीलर की हेल्प से छिलका उतारते हैं तो उसमें वो कुछ ग्रीन पोर्शन रह जाता है। इसलिए जो हम नाइफ यूज करते हैं काटने के लिए उसी का हम यूज करेंगे और कुछ इस तरीके से इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि कच्चा केला कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। लाइकवाइज हम चारों के चारों केले को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो केले लिए हैं और आधा किलो केले के मैंने यहाँ पर चिप्स बनाए हैं, काफी सारे बन गए हैं। मार्केट में कल हम लोग गए थे इजी डे, तो मैंने वहाँ पर देखा 105 रुपए में छोटा सा पैकेट था और ये केवल 20 रुपए के आधा किलो केले आ गए और आप इसमें देखेंगे इतने सारे चिप्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रख लिया कढ़ाई। कढ़ाई का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, चेक कर लिया है। चेक करने के बाद अब ग्रेटर से आपको डायरेक्टली कढ़ाई में ही ये चिप्स इस तरीके से ग्रेट करने हैं। जो चिप्स कटर होता है उसमें वर्टिकली, यानी कि केले को सीधा रखकर इस तरीके से आप जब स्लाइसेस कट करेंगे तो ये डायरेक्टली कढ़ाई में जाएंगे और आपके कुछ इस टाइप से छोटे छोटे से गोल शेप में केले के चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कच्चे केले को इसमें स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। बहुत ही ईजी होता है, और लेकिन अगर आप कच्चे केले के स्लाइसेस पहले ही कट करके रख लेंगे और बाद में उसको फ्राई करेंगे तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टली इसको कढ़ाई में ही फ्राई करें। तो इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस येलो कलर का हम यूज करेंगे अपने चिप्स को एक अच्छा सा कलर देने के लिए, और सॉल्ट भी ऐड किया है तो इससे ये कुरकुरे भी बनेंगे और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं ये पानी मैं स्पून की हेल्प से कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। जब आप इस तरीके से पानी ऐड करते हैं तो आपके ऊपर छिटके नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार हम लोग को ये डर लगता है कि अगर हम तेज गर्म तेल में पानी डालते हैं तो छिटके आते हैं। जब आप इस तरीके से पानी को ऐड करेंगे तो इसमें छींटे बिल्कुल भी नहीं आएंगे और चिप्स को एक बहुत ही प्यारा सा कलर और साथ ही साथ सॉल्टी टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हल्दी और नमक ना ऐड करें। बिना हल्दी नमक के भी ये केले के चिप्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि केले में अपनी एक मिठास होती है और जब आप एक बार इन चिप्स को खाना स्टार्ट करेंगे ना, आपके हाथ रुकेंगे नहीं कि इतनी टेस्टी लगते हैं चिप्स, आप खाते ही जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आप भी एक बार इन केले के चिप्स को ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने स्टार्ट किया इसको खाना और फिर आपके हाथ रुके ही नहीं। आपके कॉमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी, कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं बना रही हूँ दूसरे तरीके से चिप्स। पहले तो मैंने केले को वर्टिकली खड़ा किया था, अब मैंने हॉरिजॉन्टली इसको स्लाइसेस में कट किया है, तो इसके लंबे लंबे से वेफर्स टाइप के से बन जाते हैं। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। दोनों ही केले के चिप्स हैं, केवल एक शेप का डिफरेंस है। आप चाहें तो कुछ इस टाइप से इसके पतले पतले से चिप्स स्लाइसेस कर सकते हैं या फिर राउंड शेप में गोल गोल भी स्लाइस कर सकते हैं, आपकी च्वाइस है। आप चाहें तो इसको थोड़ा तेज फ्राई कर सकते हैं जैसे कि मैंने गोल वाले चिप्स फ्राई किए थे, या फिर आप थोड़ा इसको लाइट येलो कलर का भी फ्राई कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाले चिप्स फ्राई किए हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बनाइए। ये केले के चिप्स आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। अपने फास्ट में इस जन्माष्टमी ये केले के चिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम डैम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आपके घर में सभी को बहुत पसंद, केले के चिप्स एकदम डिफरेंट टेस्ट देते हैं, लेज वगैरह सब खाना भूल जाएंगे। इन चिप्स को जरूर ट्राई कीजिए। इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए जन्माष्टमी के लिए और कौन सी रेसिपीज आप लोग देखना चाहते हैं। और जन्माष्टमी पर हम कैसे कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं इसका व्लॉग
मेरे दूसरे चैनल फील फ्री सॉल्यूशन पर आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए केले के चिप्स कितने बढ़िया बने हैं। इसकी क्रिस्पीनेस सुनना चाहेंगे? नाउ जस्ट लिसन। है ना कितने कुरकुरे, मजा ही आ जाने वाला है खाकर। ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने घर में बच्चों को भी जरूर ट्राई करवाइएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। जल्दी मिलूंगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।